सक्सेना डॉक्टर साहब सबको जाने है ऊपर, कौन न रहेगो। हम सब मर जाएंगे, लेकिन क्या आपने संजीवनी बूटी खाई है? आप नहीं मरेंगे। अपना नाम भी तो ले लो नाना। हमने कभी कही हम कहे हमारे का सोचो, हम चले जाएंगे एक दिन। आगे बोलिए दरोगा जी। मां साहब अब कब बोले आगे, कब बोले आगे? देखो सामने देखो, भैया विभूति बड़े खुश मिजाज आदमी होती, चेहरे में हमेशा हमेशा उनकी मुस्कुराहट रहती थी, आंखों में एक अजीब सो रूठोपन रहते, तो अजीब से कॉम्बिनेशन की पैदाइश थे, आज चले गए। लोगों के मामले में उंगली करने की इनकी बड़ी आदत थी, बड़ी खिल्ली उड़ाते थे जी। सुना ये कौन बदतमीज आदमी है, मेरे बच्चे की श्रद्धांजलि की आड़ लेके उसे जलील कर रहा है, हैं? सही बात कह रहा हो चचा, जेगा बदतमीज दरोगा जी, चुपचाप नीचे बैठ जाओ। अरे ठीक है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ उपस्थित सभी महानुभवों को मेरा प्रणाम। विभूति भैया के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनमें संस्कार नाम का चीज नहीं था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। विभूति भैया के बारे में क्या कहूं, वो अपने आप में एक आइटम थे। नित्य नए ड्रामे करते थे, कभी सरदर्द का बहाना, कभी पेट दर्द का बहाना, खुद झूठ बोलते थे और मुझसे भी ना जाने कितने झूठ बुलवाते थे। हाँ ये अलग की बात है कि उनके झूठ बोलने की वजह से मेरी ऊपर की कमाई हो जाती थी। दूती भैया तो ऊपर चले गए और साथ में मेरी ऊपर की कमाई भी ले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। विभूतिया मेरा यार था, मेरे ही टुकड़ों में पलता था और उसे कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो मुझसे ही पैसे मांगता था। करीब 5.5 लाख रुपए का उस पर मेरा कर्जा था जो कभी लौटाने का नाम तक नहीं लिया। उसको मैं कभी कभी शराब भी पिलाता था, यहाँ तक कि गुलफाम गली के कोठे का भी बिल में ही पे करता था। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर से विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर,
मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। आप, वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।